हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी बच्चों की फेवरेट हैश ब्राउन, वो भी मैकडोनाल्ड स्टाइल में। आप हैश ब्राउन को टू टाइप में बना सकते हैं, चीज़ स्टफिंग के साथ और विदाउट चीज़ के साथ। दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, आप भी इसे ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, चीज स्लाइस लिए हैं मैंने यहाँ। आलू को चॉप करेंगे हम यहाँ, आप चाहें ग्रेट कर सकते हैं, मैं चॉप करके ही बनाती हूँ। आप इसका हैश ब्राउन का बर्गर या सैंडविच भी बना के खा सकते हैं, आप इसका ब्रेकफास्ट में ऑमलेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ इसे। देख सकते हैं मैं किस तरह से चॉप कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी किया करें, इतनी मेहनत करती हूँ तो कमेंट्स तो बनते हैं ना। ये देख सकते हैं इस तरह से मैं सारे चॉप कर लूँगी। यहाँ मैंने चॉप कर लिया है, स्ट्रेनर में डाल देंगे और वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च की वजह से ब्राउन होने लगते हैं। अब हम कुकिंग साइड चलते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून, गैस ऑन कर दिया है, चॉप हुए आलू डाल देंगे और 80% हम इसे कुक करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप चीज़ वाला बना रहे हैं सॉल्ट कम डालें, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। मिक्स कर लेंगे। थ्री मिनट्स के लिए हम कवर करेंगे। 3 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। इट्स टू हॉट, 80% कुक हो चुका है। पॉट में निकाल लेंगे हम, कॉर्न स्टार्च डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कॉर्न स्टार्च मिक्स हो चुका है, मैंने यहाँ बेकिंग शीट ली है, हाफ स्टफिंग हम इसमें निकाल लेंगे और प्लास्टिक रैप रखेंगे, थोड़ा प्रेस कर लेंगे और रोल कर लेंगे, इसे फ्लैट कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, और स्क्वायर में कटिंग कर लेंगे इसकी। देख सकते हैं कितना थिन बनाया है मैंने, क्योंकि हम इसे चीज़ स्टफिंग वाला बनाएंगे इसलिए उसे थिन बनाएंगे हम। इसे भी हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है, अब चीज़ स्लाइस लगाएंगे हम। और दूसरे स्लाइस को उठा के उसके ऊपर रख देंगे, प्लास्टिक रैप लगाएंगे और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, पैक कर देना है हमें। ये देखें स्टफिंग वाला बन चुका है, अब विदाउट स्टफिंग वाला बनाते हैं। प्लास्टिक रैप रख लेंगे और थोड़ा रोल कर लेंगे, इसे थोड़ा थिक ही रोल करना है हमें, स्क्वायर में कट कर लेंगे। आप चाहें सर्कल में बना सकते हैं। और पीसेस में कट कर लेंगे इसको भी। प्लास्टिक रैप लेंगे और शेप दे देंगे। देख
देखिए हमारी पैटी बनके तैयार हो गई है। अब फ्राई करते हैं, हम पैन में ऑयल डालेंगे। आप चाहें इसे बेक भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ और लो हीट पे कुक करना है हमें। हाई हीट पे करेंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी। तैयार हो गई है, पेपर टॉवल में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारी पैटी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सर्कल में बनाया था, अगर आप बर्गर बना रहे हैं सर्कल में बनाएं। ये मैंने चीज़ पैटी रखी है, देख सकते हैं बिल्कुल भी चीज़ बाहर नहीं आई है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पैक किया था। अगर आप अच्छे से पैक करेंगे चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। ये भी तैयार हो चुकी है। आप इसके ऊपर ड्राई पार्सले या हरा धनिया चॉप करके डाल सकते हैं। आप इसे केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।